हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी को ही जानते हैं कि रामनवमी के दिन राम भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज उनका बर्थडे है, तो बस यही है, सिंपल सा पूजा हो रहा है। चारों तरफ लॉकडाउन है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो तैयारियां तो बहुत हुई थी हमारे यहाँ मंदिर की, बहुत सारी तैयारियां हुई थी, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। तो सिंपल सा बस मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो सोचा चलो मैं आप लोगों को राम जी के दर्शन करवा देती हूँ। बीच में राम भगवान है, उनके साइड में सीता माता और लक्ष्मण जी हैं, तो बस पूजा कर रहे हैं। सिंपल से अकेले हैं और कोई भी नहीं है, इतनी सारी तैयारियां हुई थी। वैसे तो राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन पूरे साउथ में ना रामनवमी के दिन राम और सीता जी का विवाह किया जाता है, कल्याणम। तो हमारे मंदिर में भी राम जी का विवाह होता है रामनवमी के दिन, आज के दिन। तो विवाह के लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी और बहुत ही अच्छे से होता है, लेकिन सारी तैयारियां बेकार हो गई और कोरोना इतना बढ़ गया, सभी तरफ लॉकडाउन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हमारे जगदलपुर में भी बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। और बस यही है, अभी का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है। और अभी मेरी हम मंदिर का सब मेन गेट में ताला लगा के पूजा कर रहे हैं, क्योंकि एक आध कोई ना कोई दर्शन करने आ जाते हैं, पुलिस गाड़ी बार बार आती है, और तो किसको मना करोगे मंदिर आने के लिए, मना तो नहीं कर सकते। तो एक आध कोई भी आ जाता है, तो सामने का मेन गेट पुलिस वाले ने ताला लगाने को बोला था, तो उन्हें ताला लगा दिए हैं। और यहाँ पे अकेले मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं थी, और मैं एक्चुअली मैं वीडियो बनाने गई थी, नहीं तो मैं भी वहाँ पे नहीं जाती। तो भगवान जी को मस्त सुंदर से तैयार कर दिए हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और वो जो तीन बड़े से मूर्ति है ना, उनके नीचे में छोटा सा एक मूर्ति रखा हुआ है, बीच में देखिए विवाह जब होता है ना उस मूर्ति को निकाला जाता है, तो बहुत सुंदर विवाह होता है। मैं सोची थी सारा कुछ रिकॉर्ड करूँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, बिल्कुल जैसे मतलब विवाह होता है ना उसी तरीके से होता है। और शादी के कार्ड भी छपाए गए थे, तो 1000 कार्ड छप गए थे, और सारी तैयारियाँ वही की वही रह गई। खैर कोई बात नहीं, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बीमारी से सभी को छुटकारा दे दे, और जो भी बीमारी आई है तो जल्दी से ये जो परिस्थिति अभी चल रही है उससे हम सभी को निकाले और वापस पुराने वाले दिन आ जाए लौट कर। कुछ मतलब इतने केस बढ़ गए हैं, तो मतलब डर लगने लगा है, अब पता नहीं कब क्या हो जाए। और लॉकडाउन है, वैसे तो काम पे मैं भी जाती हूँ ड्यूटी, हम ऑफिस तो लॉकडाउन मतलब ऑफिस बंद नहीं है, जाना पड़ता है, लेकिन मैं फर्स्ट हाफ ड्यूटी करती हूँ और सेकेंड हाफ में घर पर वर्क करती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं देती वहाँ, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ना कोई आता रहता है, पता नहीं कौन क्या है कैसा है। वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं जो लाइक करके ही जाते हैं, जो भूल जाए उनको याद दिलाती हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब पूजा तो समाप्त हो चुकी है और लास्ट में हो रही है आरती। ये आरती आप लोगों के लिए है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और बस छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो जय श्री राम।